हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु सज्जन। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स कोड 214 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर देखें। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट टू भी इसके रिलीज़ किए हैं हमारे चैनल पर, अगर आप लोगों ने उसे मिस कर दिया है तो उसे भी जाकर पहले देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन इकोनॉमिक्स। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाई यूजिंग शॉर्टकट मेथड। मार्क्स है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी है 8, 15, 20, 15 and 2। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा, जहाँ पर हम मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एक्स और फ्रीक्वेंसी को वर्टिकली लिख देंगे। इसे लिखने के बाद हमें मिड वैल्यू निकालना है, जो कि मार्क्स से ही निकलता है, यानी कि अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 10। इसी तरीके से 30, 50, 70 और 90 निकाल लेंगे। अब इस मिड वैल्यू में से हमें निकालना है डी। डी इज इक्वल टू डिविएशन, जिसका फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। हम लोगों ने यहाँ पर ए यानी कि अज्यूम मीन लिया है 50। आप चाहें तो कोई और मीन भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम 50 लेकर के करते हैं सॉल्व तो आता है -40, -20, 0, 20 and 40। और उसके बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसे इस डी डिविएशन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8 × -40 दैट इज -320, 15 × -20 दैट इज -300, 20 × 0, 0, 15 × 20, 300, 2 × 40, 80। अगर हमें इन सबका समेशन करें तो मेरा आएगा -240। और हमें फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कॉलम का भी फ्रीक्वेंसी को समेट करना है, यानी कि सिग्मा एफ, जो कि आएगा 60। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बोलता है मीन यानी कि बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ए हम लोगों ने अज्यूम किया था 50, वो लिख देंगे। सिग्मा एफ डी हमारा आया है -240, तो वो लिखेंगे। सिग्मा एफ है 60, तो उसे डिवाइड करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 46। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अ बेसिक कंडीशन ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस विच मीन्स दैट पीपल आर नेवर टोटली सेटिस्फाइड विद द क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे कंज्यूम। अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड नीड्स एसेंशियली मीन्स दैट पीपल नेवर गेट इनफ, दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग एल्स दैट दे वुड लाइक टू हैव। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, देन प्लीज़ हमारे चैनल गुरु सज्जाद को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देनी पड़ती है। एन आई ओ एस क्लास 10 या क्लास 12 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल में मिलती रहती है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन वेयर द वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टास्क विद डिफरेंट वर्कर्स स्पेशलाइजिंग इन ईच टास्क। एनआईएस से रिलेटेड सारे अपडेट्स जानिए। एनआईएस एग्जाम फीस कब जमा करनी है, टीएमए कब सबमिट करने होंगे, टीएमए कैसे बनाना है, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन सबमिट होंगे, सॉल्व टीएमए सब कुछ, प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनानी है, कहाँ जमा करना है, कब जमा करना है, सब्जेक्ट वाइज फीस कितनी होती है, ये सब की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, एग्जाम्पल सर्वे, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर एक्सेट्रा। सेकेंडरी डेटा मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, एग्जाम्पल गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जर्नल, बुक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 17% टू द टोटल GDP एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज द प्रोवाइडर ऑफ फूड एंड फर्नीचर ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट इज वाटर पोल्यूशन, नेम टू सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज द कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सो दैट इट नेगेटिवली अफेक्ट्स इट्स यूजर्स। द टू सोर्सेज आर रिवर डंपिंग एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डोनेट वॉट यू डोंट यूज, वेस्ट लेस फूड एंड सपोर्ट लोकल फार्मर्स, गेट योर सेल्स एंड योर फैमिली वैक्सीनेटेड, हेल्प एडुकेट चिल्ड्रन इन योर कम्युनिटी। Distinguish between economic development and economic growth. Again, important question आप सभी के लिए, इसे miss ना करें। Economic growth, it is a unidimensional approach that deals with the economic growth of a nation. Economic development is a multidimensional approach that looks into the income as well as the quality of life of a nation. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग आप लोगों को ये बता दें कि इसमें जितने भी सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स है ये आप लोगों यानी कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं, ताकि आपको आसानी से ये समझ आ जाए, तो इसे हमारे वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द इंडियन इकोनॉमी। फॉरेन ट्रेड एक्सपैंड्स अ कंट्रीज मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट।
Exports have the potential to boost national output and serve as a growth engine. Expansion of a country's foreign trade may revitalize an otherwise dormant economy and lead it down the road to wealth and growth. Last question. If 25 units of output are produced and the total fixed cost is Rs. 150, along with total variable cost of Rs. 350, calculate the average cost. टोटल कॉस्ट का फॉर्मुला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि दोनों ही हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है. 150 प्लस 350 हो जाएंगे रुपीज़ 500. एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए रुपीज़ 500 यानी कि टोटल कॉस्ट को हमें डिवाइड करना होगा टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट से, दैट इज 25. 500 डिवाइडेड बाई 25 इज रुपीज़ 20. ये है आपके आंसर. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आगे और भी क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें. टिल देन हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.